सो गाइस सिंपली पहले आप सभी को करना है गाइस, जिस बैकग्राउंड को आप सभी को सिंपली डाउनलोड कर लेना गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना गाइस, ठीक है। तो गाइस आपको मॉडल को बैकग्राउंड पहले सीरीज कर लेना, बिकॉज गाइस मैंने बैकग्राउंड पहले सीरीज कर रखा था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड गाइस जिसको बैकग्राउंड स्कैन नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दो वीडियो की लिंक दे रखी, आप सिंपली दो वीडियो को देख के अपने बैकग्राउंड को रिस्क कर लेना। सो गाइस मैं अपने मॉडल कहाँ पे ले आया, तो गाइस इसके साइज को आप सभी को फुल करके गाइस आप अपने हिसाब से गाइस कैसे भी रख लेना, ठीक है। तो मैंने इसको फुल करके रखा, तो गाइस सिंपली यहाँ से डन कर लेंगे। एंड गाइस जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, ओके गाइस, एंड जाएंगे ब्लर में। गाइस आपसे ब्लर वाले ऑप्शन में जाना है, ओके। सो ब्लर वाले में जाना है। एंड गाइस उसके बाद जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है, सेकंड वाला मतलब फर्स्ट से सेकंड जो उसमें आपको वाला लेना है, इसके ओपेसिटी को आपको गाइस कम रखना है गाइस, ठीक है। 7-8 तक रख लेना है, ओके गाइस 7-8 तक या 6 तक रख लेना, एंड कर देना डन, ओके गाइस। सो अब उसके बाद गाइस क्या काम आता है, आप सभी का ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये वाला PNG लेना गाइस, ओके। सो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप सिंपली इसको भी डाउनलोड कर लेना, ओके गाइस। तो इसको आप जहाँ लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ लगा लेता हूँ गाइस, ओके। सो यहाँ लगाने के बाद गाइस आप सभी को इस तरीके से लगा लेना, एंड सिंपली यहाँ पे थोड़ा मतलब गाइस थोड़ा एडजस्ट कर लेना ढंग से, मतलब जो जहाँ आपको सही लगे वहाँ लगा लेना, ओके। सो मैंने लगा लिया गाइस। उसके बाद क्या काम आता है, जब सुबह एड फोटो में जाना है, एड फोटो में जाने के बाद गाइस जो आपने अपनी फोटो कोई पहले से एडिट करी हो उसको ले लेना है, या फिर आप चाहो तो आप मतलब आर्टिस्ट एजे भाई की जैसे कोई भी रिएक्शन जैसे दो फोटो क्लिक करा के लगा सकते हो। मैं तो आपको गाइस मतलब एक मतलब ट्यूटोरियल आप सभी को मैं बताने के लिए मैंने गाइस ये बनाया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से गाइस देख लेना आपको कैसी फोटो लगानी। तो मैं सिंपली ऐसे लगा लेता हूँ अपनी फोटो, ओके। सो मैं इसको ले लेता हूँ, एंड इसको मैं क्या करना है, इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ मैं, एंड इसको सिंपली इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। एंड सिंपली जाएंगे हम इरेजर टूल में, ओके। सो इरेजर टूल में जाएंगे, एंड इसको गाइस जाएंगे, इसको हम इरेजर में क्लिक करेंगे, एंड इसको सिंपली हम इधर से साइड में हार्डनेस को फुल करके रेस करेंगे, ओके गाइस। सो मैं सिंपली इस तरीके से रेस कर लेता हूँ। एंड गाइस आप भी मतलब आपका भी कोई एक्स्ट्रा पार्ट ऐसे बाहर रह जाए तो गाइस आप भी रेस कर लेना, क्योंकि यार कुछ भी यार फेक नहीं बनाना यार, थोड़ा लगना चाहिए कि यार कुछ किया है मेहनत तो यार, है ना। तो मतलब कर लेना आप भी गाइस, ओके। सो मैं ओपेसिटी फुल करता हूँ, करता हूँ ऐसे डन, ओके। सो गाइज अब इसमें रैप है हमारा गाइज कलर कलेक्शन जो कि हम करते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइज हम सिंपली इसको यहाँ पे से सेव करेंगे ड्रॉ टूल में जाके फोटो को, और कलर कलेक्शन करेंगे हम लाइट रूम ऐप के अंदर जो कि हम हमेशा करते हैं। तो गाइज फोटो को मैंने ऐसे सेव कर लिया, एंड चलते हैं ऐसे बैक। एंड गाइज यार अभी तक आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया यार, तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पर नया होता है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, क्योंकि यार आप सभी के लिए मैं ऐसे अमेजिंग कंटेंट लाते रहता हूँ गाइज, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार सभी वीडियो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे, तो इसलिए चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो गाइस मैंने ऑल फोटोज में जाके अपनी फोटो को ले आता हूँ गाइस, ओके। सो फोटो को लेने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है गाइस, आप सभी को नीचे जो लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है उसमें जाना, कॉन्ट्रास्ट को कम कर देना है, हाईलाइट्स को कम कर देना है, शेडो को कम कर देना है गाइस, एंड ब्लैक को कम कर देना है, ओके। सो जाना नीचे वाले टूल में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, मिक्स में जाना है, रेड कलर के ह्यू को बढ़ा देना है, सैचुरेशन को बढ़ा देना है, एंड ऑरेंज कलर में जाना है, ओके गाइस। एंड फिर ब्लू कलर में जाना है, ब्लू कलर में गाइस आप सभी को इसके ह्यू को बढ़ा देना है, एंड जाना नीचे वाले टूल में, क्लियरिटी को बढ़ा देना है, ठीक है गाइस, विग्नेट डालना है गाइस थोड़ा सा, ओके। सो उसके बाद गाइस क्या करना है, ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है गाइस। सो नीचे वाले टूल में चलते हैं, एंड फोटो के शार्पनेस को बढ़ा देंगे, नो डायरेक्शन को बढ़ा देंगे, एंड कलर नो डायरेक्शन को भी बढ़ा देंगे। आई होप कि गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।